हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं रेसिपी जो शेयर करने वाली हूँ वह है सूजी का हलवा। और क्योंकि सूजी का हलवा सभी को बहुत ही पसंद होता है, सबका बहुत फेवरेट होता है, हर तीज त्यौहार पे बनता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें ली है एक कटोरी बारीक वाली सूजी। इसको मैंने छान लिया है। तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे पहले सूखा ही। घी थोड़ी देर में डालूंगी मैं और इसके साथ में ही दूसरी गैस पे मैं रखूंगी पानी जिसकी मैं बनाऊंगी चाशनी। तो यहाँ मैंने चार कटोरी पानी लिया है, मतलब जितनी सूजी उसका चार गुना पानी लिया, और उसके हिसाब से ही चीनी, थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब घी, क्योंकि अब मुझे जो ये सूजी है ये घी में भूननी है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैंने घी ऐड किया है इसमें, अगर ज़रूरत लगेगी तो और डाल देंगे बाद में। और जब सूजी भुनती है तो बहुत अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी मैं इसमें। और अब इसको काफ़ी अच्छे से चला लेंगे और इसको हमें बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। तो ब्राउन तो आप अपने हिसाब से कलर देख सकते हो, जैसा कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बस इसको रेगुलर चलाते रहना है आपको, नहीं तो सूजी नीचे से जल सकती है। तो देखिए काफ़ी अच्छे बबल्स आने शुरू हो गए हैं इसमें और ये भुनना शुरू हो गई है, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इसका, और मुझे इसी स्टेज तक इसको भूनना था। और मेरी जो चाशनी है वो भी बॉईल हो चुकी है। अब मैं ये चाशनी इसमें डाल दूंगी और बहुत ही केयरफुली आपको डालना है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और जब घी में चाशनी डलेगी तो वो एकदम से ऊपर आती है। तो बहुत ही केयरफुली डालिए और सारी चाशनी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद में इसको मैं चला दूंगी। और चाशनी डालने के बाद में बहुत ही कम टाइम लगता है इस हलवे को बनने में। आप जैसे जैसे इसको चलाएंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ये बहुत जल्दी ही टाइट होना शुरू हो जाता है। बस इसको आपको रेगुलर चलाना है जिससे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और आप देख सकते हो कि ये टाइट होना शुरू हो गया, तो ये थोड़ी देर में ही हो जाएगा टाइट। देखिए आप बबल्स आ चुके हैं इसमें। और मैंने यहाँ पे डाल दी है किशमिश, तो किशमिश भी इसमें फूल जाएगी थोड़ी सी। और देखिए ये टाइट होना शुरू हो गया है और बहुत ही कम टाइम लगता है सूजी का हलवा बनने में और बहुत ही टेस्टी लगता है। नॉर्थ इंडियन में तो ये हर तीज त्यौहार पे बनाया जाता है और जब भी मन करता है तब भी बना लेते हैं। तो देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं और ये गाढ़ा भी हो गया है काफ़ी। तो इसको बहुत अच्छे से चला लेना है और इस स्टेज पे मैं कर दूंगी गैस बंद, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा होगा। और इसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हो, मैंने यहाँ थोड़े बादाम डाले हैं। और इस तरह से बनके हो गया हमारा हलवा तैयार। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।